उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बेकौफ अपराधी थाने से चंद कदमों की दूरी पर होमगार्ड को गोली मारकर फरार हो गए। गंभीर हालत में होमगार्ड को ट्रॉमा सेंटर नखलो के लिए रेफर किया गया। घटना से जिले के होमगार्डों में आक्रोश व्याप्त है। पुलिस गोली मारने की घटना को दबाने का प्रयास कर रही है। जानकारी के अनुसार रामगांव थाना इलाके के दोविया गांव निवासी 25 वर्षीय होमगार्ड रामेश्वर प्रसाद का घर मात्र थाने से 200 मीटर की दूरी पर है। मंगलवार को परिवारी जनों के साथ वो खाना खाने के बाद फूस के महड़े में सोने के लिए चले गए। देर रात कुछ अज्ञात लोग मौके पर पहुंचे और सोते समय होमगार्ड की कनपटी पर तमंचा सटाकर गोली मार दी। भागते समय बदमाशों के हाथ से खाली खोका भी मौके पर गिर गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक अपराधी आंखों से ओझल हो गए। गोली चलने की आवाज और घायल होमगार्ड की चीख पुकार सुनकर जागे परिवारी जन मौके पर पहुंचे। घटना स्थल पर कारतूस का खोका देखकर पुलिस को सूचना दी गई। होमगार्ड के बेटे मुकेश का आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने खोके को जब्त कर एक सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए। आनन फानन में घायल होमगार्ड को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर नखलो के लिए रेफर कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार ने और सीओ महसी कमलेश कुमार सिंह ने घटना स्थल का जायजा लिया। गोली कांड की घटना को पुलिस लगातार दबाने का प्रयास कर रही है, जबकि पीड़ित परिवार पुलिस की कार्य प्रणाली से नाराज है। थाना रामगांव के गांव मुद्दाचक में रामेश्वर पुत्र राम फेरे शुक्ल उम्र लगभग 45 वर्ष अपने मढ़े में सो रहे थे। इन्हें दाहिने कान पर कुछ चोट लगी थी। इनके पुत्र के द्वारा यह बताया गया कि इनके दाहिने कान का कुछ ऊपरी हिस्सा किसी अज्ञात हथियार से अज्ञात व्यक्ति द्वारा हमला करने के दौरान कट गया था। पुत्र की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके इन्हें वास्ते बेहतर इलाज लखनऊ भिजवाया गया है। ये होमगार्ड विभाग में कार्यरत थे तथा वर्तमान समय में ड्यूटी पर नहीं थे। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम लोकेश शुक्ला है। मेरे पिताजी का नाम रामेश्वर प्रसाद शुक्ला है। कौन गांव करते थे पिताजी आप? मुद्दाचक धुरिया। मेरे पिताजी होमगार्ड विभाग में हैं। क्या हुआ आज आपके यहाँ जो घटना हुई है, इसमें क्या पहले से कोई दुश्मनी थी आपकी? हाँ, इससे पहले मेरे यहाँ कोई ऐसी घटना घटी है आपके पहले इससे पहले आपके पास? इससे पहले हमारे यहाँ दो बार चोरियाँ हुई हैं। मैंने थाना रामगांव में एप्लीकेशन दिया मगर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज क्या हुआ? आज रात मेरे पिताजी के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। हम और हमारा पूरा परिवार रात सो रहे थे। रात्रि एक बजे गोली दगने की आवाज़ सुनी मैंने, और मेरे परिवार ने तब उठकर देखा तो मेरे पिताजी खून से लथपथ थे। पुलिस ने सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस पिताजी को चिकित्सालय पहुंचाया और थाने को ले गई पुलिस। चिकित्सालय पहुंचा कर मुझसे एक एप्लीकेशन पर साइन करवा लिया, जिसे मैंने लिखा नहीं। क्या गोली लगी वहाँ? जो वहाँ कोई सनद वगैरह कारतूस के मिली? वहाँ खोखा और कुछ पाउडर टाइप का बिस्तर पर पड़ा हुआ था। वो क्या हो गया? वो पुलिस वाले ले गए। क्या नाम है आपका बेटा? जूली शुक्ला। तेज से बोलो। क्या हुआ आज आपके यहाँ, क्या घटना होती? रिवाल्वर दगी थी, उसकी आवाज़ हमारे कान में पड़ी तो हम उठे, तो हम समझे कि बल्ब दगा है, ढूंढने लगे इधर। फिर पिताश्री वो करने लगे, हम लोग देखे तो पूरा खून से भरा था उनका। फिर क्या हुआ? आप लोगों ने मतलब बदमाशों को देखा? नहीं देखे। फिर कुत्ते भौंक रहे थे बाहर। कुत्ते भौंक रहे थे तब फिर दोबारा उन पर भी गोली लगी। बताओ, उन पर भी गोली लगी। अच्छा, क्या आपके पिताजी से पहले से कोई दुश्मनी थी किसी से? किसी से दुश्मनी नहीं थी। और कोई घटना घटी है घर पे कभी? चोरी हुई है कई बार, दो बार चोरी हुई। क्या आपने प्रार्थना पत्र दिया थाने पे कभी? दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आज जब पिताजी के गोली